हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो 100 डे 100 वीडियोस चैलेंज के डे नंबर 4 में आपका वेलकम है। तो आज का जो है टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे अनलिमिटेड टॉपिक्स यानी कंटेंट आइडियाज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हो अपने जो है चैनल के लिए, या फिर आप जो है कोई कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है कॉन्टेंट क्रिएशन करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और मैंने बस यूट्यूब पे सर्च किया कि उसमें जो गेमिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल बहुत ही ज़्यादा बूम में थे, यानी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, और जो है मैंने जो है उसके अराउंड जो चैनल क्रिएट कर लिया। और मैंने जो है उसके लिए लोगो वगैरह वो सब कुछ के लिए मैंने कैनवा अलग से सीखा, मैंने लोगो क्रिएट किया, बैनर वगैरह क्रिएट किया, डिस्क्रिप्शन वगैरह, जो टैग्स के बारे में सीखा, टाइटल वगैरह, हर एक चीज़ के बारे में सीखा समझा, और चैनल को एक सेटअप किया। काफ़ी महीनों के बाद जो है चैनल को सेटअप किया वगैरह सब कुछ, बट एंड में मैं यहाँ के अटक गया कंटेंट आइडियाज़ के ऊपर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट किस चीज़ पे क्रिएट करूँगा। तो मैंने वही किया जो तो बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स वगैरह लोग करते हैं, वो दूसरे के चैनल को देखा, उसमें से सिंपली कॉन्टेंट आइडियाज़ फाइंड किए। और उसमें जो वो कॉन्टेंट आइडियाज़ फाइंड करते हैं हम जो आसान होते हैं क्रिएट करने में, मैंने भी वही किया, और जो आसान था क्रिएट करने में मैंने सिंपली इस पे कंटेंट क्रिएट कर दिया था। बट क्या मुझे ग्रोथ मिली उससे? नहीं, तो फ़ायदा नहीं। ठीक है, अगर आपने जो दो जो मैंने कल और परसों जो वीडियोस अपलोड किए हैं अगर आपने वो नहीं देखी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं इसके साथ साथ, ठीक है। तो वो भी जाके देख लो, तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगी। और अगर आप ऐसे ही रैंडमली आए हो तो ठीक है, आप ये भी देख सकते हो, बट वो दो भी जाके देख लेना अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। तो हम सिंपली चलते हैं कि मैंने तो जो है प्रॉब्लम फेस की और मैंने इसको जो है इसका सोल्यूशन जाहिर सी बात है फाइंड किया, और मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से अब जो है मैं जो कंटेंट के आइडिया से मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो कभी कभार होती है, बट ठीक है, आप जो है अगर इस प्रोसेस को मैं सिंपली फॉलो करता हूँ तो मैं आपसे बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर लेता हूँ अपने जो है चैनल के लिए, ठीक है। और सिंपली आप जो है ये करो, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, आप अपनी कस्टमर अवतार यानी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करो। अब अगर आपको ये पता है कि आपकी नीश सेलेक्टेड है, आपने जो है अपने आपको पता है आप किन लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, किन लोगों के प्रॉब्लम्स के लिए आप सोल्यूशन के तौर पर अपनी वीडियो क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपली आप जो है प्रॉब्लम्स लिख दो। अब इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो है जब आप जिम गए होगे, या फिर कोई भी आप मार्शल आर्ट के लिए कहीं गए होगे, कोई भी आपने नई स्किल जो है स्टार्ट जो है सीखना शुरू की होगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना आपने आपने की होगी, ठीक है। और आपकी जो नीश है आप ये देखो कि आपने जो है जब वो स्टार्ट किया था, यानी आप जिस टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट करते हो आपने जब वो चीज़ की थी आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, ए टू जेड वापसी अगर चालू हो गए, ठीक है, वापसी जाओ तो देखो कि आपको किन किन छोटी से छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है मैं अपनी उस पर बात करूँ, तो जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग नए नया शुरू करते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों का यही होता है कि भाई मैं कभी कंटेंट नहीं क्रिएट करूँगा, नहीं पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करूँगा, जो है मुझे जो कंटेंट जो है कैमरे के सामने आके नहीं बात करनी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, शायद हूँ, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, ए टू जेड ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। और जो है मैं उसको भी जो है उस पर भी आगे जो है वीडियोज़ क्रिएट करूँगा। बट आपको ये फाइंड करना है कि आपकी नीश में लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा चैट जीपीटी किसमें आप हेल्प लो, क्योंकि अपने कस्टमर को आप जितने अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आपके चैनल के लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली ये करना है, अगर आपको ये सोचना है कि आपने जो है आपने क्या क्या चीज़ें फेस की थी तब, यानी पहले आपने वो चीज़ जब आप वो सीख रहे थे तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस की थी, वो सारी प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन आप लिख दो, यानी जो प्रॉब्लम आपने फेस की थी और जो सोल्यूशन आपने फाइंड किए थे वो सारी चीज़ें आप लिख दो लाइन वाइज। बट बहुत सारे लोग अब ये गलती करते हैं कि जो है यूट्यूबर भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी जो है ऑडियंस की प्रॉब्लम पे जो है कंटेंट क्रिएट कर दो, बट ये गलत है अप्रोच है। आप हाँ प्रॉब्लम फाइंड कर ली, ठीक है, और प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन भी आप बता रहे हो, बट उसको जो है लोगों के सामने रखने का एक तरीका होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अब जो है बहुत सारे लोग ये इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, हाउ टू ट्रेन योर एब्डोमिनल मसल, ठीक है। आप जो लोग जिम जाते हैं और जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है मसल्स के बारे में नॉलेज है, तो उन्हीं को भी पता है एब्डोमिनल मसल क्या होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप तो जो है जिम जाने वाले लोग हैं, बट बहुत सारे लोगों को जो है इन मसल्स के बारे में नाम पता नहीं होते, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप जो है सिंपली ये आप टाइटल में लिख सकते हो कि हाउ टू ट्रेन योर एब्स, ठीक है। अब ये एब्डोमिनल मसल और एब्स इनमें फ़र्क तो है, बट इसमें ये है कि
एब्डोमिनल मसल जो है वो जो है बहुत ही कम लोगों को मालूम है, बट एब्स जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को, नॉर्मल जो नहीं जाता है जिम उसको भी पता है एब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप जो है एक ब्रॉड ऑडियंस को जो है आप अपने कंटेंट की तरफ लेकर आओगे। इसमें ये नहीं कि आप हाँ ठीक है स्पेसिफिक तो हो गए, बट जब आप सेम कंटेंट और सेम वीडियो सेम क्वालिटी सेम सब कुछ के साथ 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 आप जो है एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ और उस तरफ जाओ, ठीक है। अब जो है यही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यानी वो जो है इनसाइडर लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि ठीक है, बट यूट्यूब पे जो आप अगर कंटेंट क्रिएट करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जितना हो सकता है उतना ब्रॉड जाना चाहिए जो है टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि हाउ टू ट्रेन योर एब्स और हाउ टू ट्रेन योर एब्डोमिनल मसल, दोनों में बहुत ही फ़र्क है, बट दोनों की जो ऑडियंस होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जो है टाइटल के एब्डोमिनल मसल के हिसाब से 10,000 लोगों को ये समझ में आएगा, यानी 10,000 व्यूज ही आ पाएंगे आपको, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को मसल्स की नॉलेज होती है, ठीक है, कि हाँ ये मसल ये नाम इस मसल्स का है, ठीक है। बट एब्स वो सबको मालूम है, तो आप कोशिश करो जो ज़्यादा लोग जो ऑडियो तो बहुत ही ज़्यादा लोग जो जो कॉमन वर्ड्स या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपको जो है अपने टाइटल में ले करो। और आप ये कैसे कर सकते हो, सिंपली vidIQ को यूज़ करके। vidIQ एक टूल है, ठीक है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिल्कुल फ्री है, जाओ साइन अप करो और जो है सिंपली आप जो है इस तरह के पेज पे आ जाओगे। आप सिंपली इधर कीवर्ड रिसर्च पे आ जाओ और आप जो है अगर आपको कोई भी जो है टॉपिक है आप सिंपली उसको यहाँ पे राइट कर दो, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, अब ये देखो इस पे जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो है कंपटीशन और जो है सर्च वॉल्यूम, आपको कुछ सर्च वॉल्यूम और कॉम्पिटिशन का ये मतलब है, यानी यूट्यूब पे लोग इतने लोग ये जो है सर्च करते हैं इस चीज़ को, बट कॉम्पिटिशन भी ये देखें इतना ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें मैं जो है यूट्यूब से रिलेटेड ये कंटेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ये अनलिमिटेड टॉपिक्स एंड कंटेंट आइडियाज़। अब ये देखो इस पर जो सर्च वॉल्यूम ये है, यानी आप मंथली जो है लोग 1,158, ठीक है, लोग जो है इस चीज़ को जो है सर्च करते हैं, बट कॉम्पिटिशन भी देखो बहुत ही ज़्यादा लो है, ठीक है। अब इस तरीके से आप जो है इस चीज़ को जो है अपने जो है जो भी आपके ऑडियंस है उसकी जो है प्रॉब्लम्स को जो है आप एक जो है टाइटल के जरिए, एक टाइटल के जरिए उसको शेप दे सकते हो और जो है एक ब्रॉडर ऑडियंस तक आप उसको पहुंचा सकते हो, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि सेम कंटेंट होगा, सेम नॉलेज होगी, सेम सब कुछ होगा, बस एक खाली टाइटल को पेस्ट करके आप जो है इतनी ब्रॉड ऑडियंस यानी आप जो अच्छे खासे लोगों को तो अपनी वीडियोज़ को पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ ख्याल रखना। अब एक बोनस पॉइंट मेरी तरफ से जो मुझे भी नहीं पता था, और ये जो मैंने अभी वो टाइटल वाला आपको बताया ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर क्रिएट कर देते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, बट इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। और ये बोनस पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि आइडिया को जो है अप्रूव करना, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये आइडिया जो मैंने सोचा है और इस पर एक मैंने सर्च, तो जैसे आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, बट फिर भी आपको जो है एक जो है मालूम करना है कि यूट्यूब पे शायद वर्क करे ना करे, पता नहीं किसी ने क्रिएट किया होगा नहीं किया होगा, और उसके लिए वर्क किया होगा नहीं किया होगा, ये मैं अपना टाइम तो ज़ाया नहीं कर दूँ। लोग सर्च तो कर रहे हैं बट लोग इंटरेस्टेड भी हैं उस चीज़ में या नहीं है, ठीक है। अब आप सिंपली इसके ज़रिए ये कर सकते हो, आप जो है तीन या चार तरीके से जो यूट्यूब पे सर्च करो सेम टॉपिक सेम आया वो जो है उसके साथ, और देखो कि आपने जो वहाँ पे कीवर्ड फाइंड किया उसको लोग यहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे देखो 5.4 मिलियन व्यूज़, यानी ये जो है टॉपिक का आइडिया बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है अच्छे खासे व्यूज़ हैं इनके वीडियोज़ पे, और ये बहुत ही अच्छा चैनल है वैसे थिंक मीडिया, ठीक है, इनके भी व्यूज़ देख सकते हो आप। तो ये आइडिया जो है जो लिखा हुआ है वो जो है बेहतर है अगर आपने फाइंड किया है कीवर्ड रिसर्च करके, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है इस चीज़ को कंफर्म भी कर सकते हो, हाँ ये आइडिया अच्छा है, ये देखो यहाँ पे भी गुड रिव्यूज़ हैं इस जो है। जैसे मैंने कहा दो या तीन तरीके से जो है इस चीज़ को फाइंड करो, यूट्यूब पे सर्च करो, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, वही आइडियाज़ वगैरह हो गए, यहाँ देखें इनके व्यूज़ देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रूव भी कर सकते हैं अपने आइडिया को कि जो है आपका आइडिया जो आपने जो कीवर्ड सर्च किया उस हिसाब से लोग यूट्यूब पे किस तरीके से वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वीडियो जो है चल भी रही है या नहीं चल रही, वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो ये था मेरी तरफ से एक बोनस पॉइंट आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको बस यही करना है, आप सिंपली भी अगर आपने पहले की दो वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देखते हैं, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कस्टमर अवतार अपना कैसे फाइंड करते हैं,
अगर आप जो है प्रॉब्लम्स अपनी ऑडियंस से फाइंड कर देते हैं तो आपको बस यही करना है उस प्रॉब्लम को जो है अच्छे से जो है टाइटल में कन्वर्ट कर देना है, जिसके ज़रिए जो है आप यूट्यूब पे जब वो अपलोड करोगे तो वो एक जो है ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचेगा जिनको वो सेम प्रॉब्लम होगी, बट आप जो है टाइटल को इस तरीके से लिख दोगे कि वो उन तक पहुंचेगी वो आपकी वीडियो, और सेम कंटेंट सेम सब कुछ उसके साथ साथ जो है उनको आप वैल्यू प्रोवाइड करो, इसके ज़रिए वो जो है आपकी जो है आगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका था, और प्रॉब्लम आप जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा लिखो, और मैं यही कहूँगा कि आपने जो खुद फेस किया और जिनका सोल्यूशन आपने खुद ही जो है फाइंड किया उसी को लिखना, क्योंकि जब आप उन पर बात करोगे तो उसमें एक जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है उसमें वैल्यू होगी, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक्स पे बात करना, सारी प्रॉब्लम्स लिखो, उनको एक अच्छे से टाइटल में जो है कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म करो, यानी उसको एक अच्छे से टाइटल में लिखो ताकि वो जो है अच्छे से ऑडियंस तक पहुंच पाए, ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंच पाए, और जो है इस आइडिया को जाके देखो यूट्यूब पे के लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लोग किस तरीके से टाइटल में इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और इस पे वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनके जो है कंटेंट को लोग पसंद भी कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो भाई आपको कभी भी टॉपिक्स जो है यानी कंटेंट आइडियाज़ की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया एक्चुअली में आप जो है प्रॉब्लम्स कैसे फाइंड करो, यानी आपको पता कैसे चलेगा आपके आपको किन लोगों की प्रॉब्लम जो है फाइंड करनी है, वो कस्टमर अवतार वर्कशीट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया, वो यहाँ पे शो हो रही होगी, आप जाके अभी वो देखो। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।